बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है तरबूज का शरबत। हम तरबूज का शरबत कैसे बनाएंगे, आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने एक अच्छा सा तरबूज लिया है, लाल सा, उसको मैंने कट कर लिया। उसके हम लोग पीसीस बना लेंगे। ये बहुत ही ठंडा होता है रमज़ान में, रोज़ों में बहुत अच्छा लग रहा होता है खाने में भी, तो हम लोग अगर इसका जूस भी बना कर पिए तो बहुत ही मज़े का बनेगा ये। अब मैं क्या करूँगी, जो स्लाइसेस जूसर के अंदर, इसके स्लाइसेस करके ऐड कर लूँगी ताकि इसका जूस बना सकूँ। इस तरह करके हम लोग सारे तरबूज को कट लगा कर जूसर में ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, साथ ही इसके अंदर चीनी डालूंगी, साथ ही इसमें आइस जाएगी। ये जितना ठंडा होगा उतना मज़े का लगेगा। ये हमारा तरबूज का शरबत तैयार है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसके अंदर हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काला नमक ऐड कर लेंगे और बर्फ़ जितना हो सकेगा हम लोग वो ऐड कर लेंगे। इसके दो तरीके हैं, एक तो सिर्फ ये सिंपल पानी के साथ या बर्फ़ के साथ बनता है, और दूसरा इसके अंदर हम लोग सोडा ऐड करेंगे। कोई भी सोडा होगा वो ऐड कर देंगे, तो ये दो तरह के शरबत बन जाएंगे। इसमें मैंने तरबूज के छोटे छोटे स्लाइस करके भी ऐड किए हैं ताकि जब हम लोग जूस पिए तो उसके साथ साथ वो पीसीज आए तो वो बहुत मज़े का लगेगा। सोडे वाले जूस में 2-3 पुदीने के पत्ते भी ऐड किए हैं ताकि उसका भी फ्लेवर आए। जब ये मैंने ट्राई किया, बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, रमज़ान में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।